क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, इस सब्जेक्ट में अच्छे मार्क्स कैसे स्कोर करें। अगर आप भी यही सोच रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए। हाय, दिस इज आशुतोष शर्मा। आई हैव क्लियर्ड एवरी सिंगल बैंक एग्जाम इन माय फर्स्ट अटेम्प्ट विद माय ओन स्ट्रेटजी। मैथमेटिक्स अगर किसी स्टूडेंट की वीक है, अगर वो क्वांट में वीक है, तो किस तरीके से उसको अपनी प्रिपरेशन करनी चाहिए ताकि उसकी इसमें स्पीड भी बढ़ जाए, एक्यूरेसी भी बढ़ जाए एंड वो मैक्सिमम मार्क्स स्कोर करे प्रीलिम्स में भी, मेंस में भी। चाहे आप SBI PO, IBPS PO की तैयारी कर रहे हो, चाहे किसी क्लर्क लेवल एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप RBI ग्रेड बी लेवल की तैयारी कर रहे हो, सब में जो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का सिलेबस है, सारे टॉपिक सेम है इन सब एग्जाम्स में। इसीलिए अगर आप किसी भी एक एग्जाम की मैथ्स में वीक हो तो आप नेचुरली बाकी सारे एग्जाम्स में भी सेम सब्जेक्ट क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में आपकी मैथ्स वीक रहेगी, आपकी स्पीड कम रहेगी, आपकी एक्यूरेसी कम रहेगी। एक बिगेस्ट मिस्टेक जो मैक्सिमम स्टूडेंट्स करते हैं, वो लोग यूट्यूब पे वीडियोस देख के, वीडियो क्लासेस अटेंड करके अपनी प्रिपरेशन करते रहते हैं। वो लोग घंटों देते हैं डेली बेसिस पे यूट्यूब को, अलग अलग टीचर्स की क्लासेस फॉलो करते हैं, उससे मैथ्स सीखने की कोशिश करते हैं। उन्हें लगता है ऐसा करने से हमारी जो क्वांट है वो इम्प्रूव हो जाएगी। ये एक रेसिपी फॉर फेलियर है, ये गलत स्ट्रैटेजी है। बहुत से ऐसे टीचर्स हैं जो आपको यूट्यूब पे मैथमेटिक्स क्वांट पढ़ा रहे हैं, जो बिल्कुल भी एक्सपीरियंस नहीं है एंड उन्होंने खुद कभी कोई बैंक एग्जाम क्लियर ही नहीं कराया। इसी तरीके से मिसगाइड हो जाते हैं स्टूडेंट्स एंड गलत डायरेक्शन में अपनी प्रिपरेशन करते रहते हैं। उन्हें लगता है उनके सारे टॉपिक्स कवर हो रहे हैं सिलेबस के यूट्यूब के थ्रू, बट जिस लेवल की वो प्रिपरेशन कर रहे हैं वो एग्जाम लेवल की प्रिपरेशन नहीं है एंड उनका जो फाउंडेशन है वो ही स्ट्रांग नहीं हो पाता फॉर बैंक एग्जाम्स। इसीलिए स्टूडेंट पूरा सिलेबस कवर करके चले जाते हैं, फिर भी जब एग्जाम में बैठते हैं, जब स्क्रीन पे क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का, लेट से टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन आ जाता है, उन्होंने टाइम एंड वर्क करा होता है बट फिर भी वो क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाते, क्योंकि उनकी जो प्रिपरेशन थी वो गलत स्ट्रैटेजी एंड गलत सोर्सेज के साथ उन्होंने करी। उन्होंने क्वेश्चन प्रैक्टिस करे फ्री PDFs के थ्रू जो टेलीग्राम पे उन्हें मिल गई, या फिर किसी स्टूडेंट ने उसके साथ शेयर कर दी एंड उन्होंने अपनी स्टडी कहाँ से करी। वीडियो क्लासेस जो यूट्यूब पे क्लासेस होती रहती हैं, वो लोग डेली लाइव क्लासेस और ये सब वीडियोस रैंडमली कहीं कहीं से प्रिपेयर करके उन्होंने अपना सिलेबस कंप्लीट करा। ये एक गलत स्ट्रैटेजी है। मैं खुद क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में वीक था जब मैं बैंक एग्जाम्स की तैयारी कर रहा था, मेरी क्वांट स्ट्रांग नहीं थी, बट मैंने एक स्ट्रक्चर्ड वे में, एक प्रॉपर ऑर्गेनाइज्ड मैनर में अपनी प्रिपरेशन करी एंड वही स्ट्रैटेजी आज मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ, ताकि अगर कोई स्टूडेंट क्वांट में वीक है वो आज से स्ट्रैटेजी को स्टार्ट करके इसी साल मैक्सिमम मार्क्स स्कोर करे क्वांट में एंड इसी साल वो अपने ड्रीम जॉब में सिलेक्शन ले जाए। ठीक है, तो क्वांट की मैंने बेस्ट सोर्स ऑलरेडी आपको बता दिया है, बिगिनर टू बैंकर कोर्स, जो मैंने खुद फॉलो करा था जब मैं बैंक एग्जाम्स की तैयारी कर रहा था, जब मेरी क्वांट वीक थी। तो डेली बेसिस पे आपको क्या स्ट्रैटेजी फॉलो करनी है यूजिंग दिस कोर्स, वो मैं आपको बताने वाला हूँ। ऑलरेडी बहुत से स्टूडेंट्स इस कोर्स को फॉलो करके सिलेक्शन ले चुके हैं एंड बहुत से जो इस साल इसको फॉलो कर रहे हैं वो इस साल डेफिनेटली क्लियर करेंगे एग्जाम्स को, तो इससे आपकी सारी सब्जेक्ट्स की कंप्लीट प्रिपरेशन हो जाएगी। बट अभी इस कोर्स का लिंक जो है मैंने इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। इस वीडियो में हम सिर्फ और सिर्फ क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की स्ट्रैटेजी के बारे में बात करेंगे। सबसे पहली चीज कि अगर स्टूडेंट के बेसिक्स क्लियर नहीं है तो कहाँ से प्रिपरेशन करें। अगर आपको अपने बिल्कुल बेसिक लेवल से आपको अपनी प्रिपरेशन शुरू करनी है, वो मैं आपको सजेस्ट भी करूंगा कि आप बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट कीजिए, ताकि जो आपका फाउंडेशनल लेवल है, जो आपकी क्वांट की अंडरस्टैंडिंग है ऑफ टाइम एंड वर्क, प्रोबेबिलिटी, परसेंटेज, लेट से सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, बिल्कुल बेसिक लेवल से बने। क्योंकि जब आप प्री दे दोगे उसके बाद आप मेंस देने जाओगे, वहां पे अगर आपके बेसिक क्लियर नहीं है तो आप कॉम्प्लेक्स क्वेश्चंस को सॉल्व करने के बारे में सोच भी नहीं सकते, और प्रीलिम्स में भी अगर आपके बेसिक क्लियर नहीं है तो आप जल्दी से क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाओगे, क्योंकि आपके कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आएगा तो आप उसको सॉल्व कैसे करोगे। तो ये जो बिगिनर टू बैंकर कोर्स मैंने आपको बताया, इसमें एक्सपीरियंस टीचर्स जो हैं, जो एक्सपर्ट हैं क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के, वो आपको सिखाते हैं बिल्कुल बेसिक लेवल से। ठीक है, अब इसमें आपको डेली बेसिस पे एक इसका वीडियो लेक्चर अटेंड करना है इस कोर्स के अंदर जाके। ठीक है, डेली आप किसी एक टॉपिक की एक वीडियो क्लास अटेंड करोगे। कोई स्टूडेंट पूछ रहा था कि सर इसमें लाइव क्लास होगी क्या, इसमें लाइव क्लास नहीं है, इसमें रिकॉर्डेड क्लासेस रहती हैं, ताकि आप जब चाहो जितनी बार चाहो उस क्लास को देख सको। चाहे आप रात के 2 बजे फ्री होते हो तो आप रात के 2 बजे भी उसमें मैथ्स की क्लास अटेंड कर सकते हो। ठीक है, तो डेली आप एक मैथ्स की एक्सपर्ट टीचर्स की जो क्लासेस हैं इस कोर्स के अंदर, आप डेली एक वीडियो क्लास अटेंड करोगे किसी भी टॉपिक की, विच एवर यू लाइक। ठीक है, उस क्लास को अटेंड करने के बाद उसमें आपको बिल्कुल बेसिक से समझाएंगे वो, कि कैसे एकदम बेसिक से स्टार्ट करना है किसी भी चैप्टर को। लेट से टाइम एंड वर्क की बात कर लेते हैं, तो टाइम एंड वर्क में जो बिल्कुल बेसिक कंसेप्ट है वो पहले आपके बिल्ड करेंगे, फिर वो आपको धीरे धीरे ग्रेजुअली आपको लेके जाएंगे एग्जाम लेवल तक ऑफ SBI PO, IBPS PO एंड RBI।
आपको प्रीलिम्स और मेंस दोनों के क्वेश्चन समझाएंगे एंड आपको शॉर्ट ट्रिक्स भी सिखा देंगे। कम से कम टाइम में स्पीड कैसे बनेगी, जब आपको शॉर्ट ट्रिक पता होगी, वो ट्रिक्स आपको यूट्यूब पे कोई नहीं बताएगा। ठीक है, इस कोर्स में जो एक्सपर्ट टीचर्स ने आपको सिखा रखी है, वो आप डेली बेसिस पे जब आप सीखोगे तो धीरे धीरे आपकी अंडरस्टैंडिंग बनेगी, तभी आप सिलेक्शन लोगे मैक्सिमम मार्क्स स्कोर करके। डेली एक वीडियो क्लास आपने इसमें अटेंड करी, उसके बाद आप इसी कोर्स के अंदर 10 बेसिक लेवल के क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए। मैं आपको वही स्ट्रैटेजी बता रहा हूँ जो मैंने खुद फॉलो करके सिलेक्शन लिया है, सो इट इज डेफिनेटली 100% सिंपल एंड इफेक्टिव स्ट्रैटेजी। ठीक है, 10 बेसिक लेवल के क्वेश्चन आप प्रैक्टिस करेंगे इसी कोर्स के अंदर, जो बेसिक क्वांट की ई बुक है उसमें से। ठीक है, उससे क्या होगा, आपका बेस स्ट्रांग रहेगा, एग्जाम आने तक आपको बेसिक लेवल क्वेश्चन करते रहना है ताकि आपका बेस वीक ना हो, आपका बेस बना रहे। ठीक है, 10 बेसिक लेवल के क्वेश्चन, उसके बाद 10 इसी कोर्स के अंदर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आप सॉल्व करोगे। 10 प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस यू आर गोइंग टू सॉल्व एवरी सिंगल डे फ्रॉम टुडे। ठीक है, उसमें आप प्री और मेंस दोनों के क्वेश्चंस आपको गिवन है सारे प्रीवियस ईयर्स के ऑफ SBI, PO, IBPS, PO, RBI। तो आप जिस भी एग्जाम को टारगेट करके चल रहे हो, आप उसके इसके अंदर से प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस 10 क्वेश्चंस ऑन अ डेली बेसिस करोगे। एक और इंपॉर्टेंट बात, एक रीजन है जिस वजह से कुछ स्टूडेंट्स अच्छे मार्क्स स्कोर करते हैं क्वांट में एंड कुछ स्टूडेंट्स फिर भी लैग बिहाइंड, क्योंकि उनके जो मन में डाउट्स हैं वो कभी क्लियर नहीं हो पाते। एक बेस्ट फीचर जो मुझे लगाता है इस कोर्स का, जब मैं तैयारी कर रहा था, जब भी आपके मन में कोई डाउट है आपको उसको नेक्स्ट डे के लिए नहीं रखना है। लेट से रात के 12 बजे आप कोई क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, आपके मन में कोई डाउट है, इस कोर्स के अंदर आप 24/7 किसी भी सब्जेक्ट में एक्सपर्ट को कॉन्टैक्ट कर सकते हो। आपके मन में कोई भी डाउट है आप इंस्टेंटली एक्सपर्ट को कॉन्टैक्ट कीजिए कोर्स के अंदर इन क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड एंड वो इंस्टेंटली आपको प्रॉपर सॉल्यूशन देंगे एंड आपके डाउट को क्लियर कर देंगे। इससे क्या होता है, आपके डाउट नेक्स्ट डे को कैरी फॉरवर्ड नहीं होते, एग्जाम में जाके आपके लिए ईजी रहेगा, उस समय आपके माइंड में कोई भी डाउट्स नहीं होंगे, आप बिल्कुल क्लैरिटी और कॉन्फिडेंस के साथ एग्जाम देने जाओगे एंड आप मैक्सिमम मार्क्स स्कोर करोगे। ठीक है, तो डेली बेसिस पे आपको 4 चीजें करनी है आपसे। मैंने पहली चीज बताई, एक वीडियो क्लास अटेंड करनी है इस कोर्स के अंदर, बिल्कुल बेसिक लेवल से एक्सपर्ट टीचर धीरे धीरे आपको सिखाएगा एंड आपको एग्जाम लेवल तक लेके जाएगा सारी शॉर्ट ट्रिक्स के साथ। सेकंड थिंग आपको क्या करना है, 10 बेसिक लेवल के क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। थर्ड थिंग आपको क्या करना है, 10 प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। कहाँ से सॉल्व करना है, ये सब इसी कोर्स के अंदर जो ई बुक्स गिवन है उसी में से सॉल्व करना है। एग्जैक्ट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी गिवन है एंड बेसिक लेवल क्वेश्चन भी, जो भी डाउट्स हैं। उसके बाद फोर्थ टास्क जो है आपका, जो भी डाउट्स हैं आपको सेम डे एक्सपर्ट से क्लियर करने हैं। इस कोर्स के अंदर जो एक्सपर्ट गाइडेंस मिली हुई है, एक्सपर्ट की हेल्पलाइन मिली हुई है, उसे कॉन्टैक्ट करके डेली बेसिस पे अपने डाउट्स भी क्लियर करिए। मैथ्स, अब कोई स्टूडेंट पूछेगा सर हिंदी लैंग्वेज में अवेलेबल है क्या इसमें क्वेश्चन, यस इसमें क्वेश्चन हिंदी और इंग्लिश दोनों में अवेलेबल है। जो क्लास रहने वाली है वो भी हिंदी प्लस इंग्लिश के कॉम्बिनेशन में रहने वाली है, इसलिए किसी भी लैंग्वेज के स्टूडेंट को कोई इशू नहीं आता है इसमें। ठीक है, जब मैं अपनी तैयारी कर रहा था, मैंने अपनी क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड खुद इसी कोर्स को फॉलो करके एंड ये जो स्ट्रैटेजी मैंने आपको बताई, इसी 4 टास्क को डेली बेसिस पे करके मैंने अपनी क्वांट स्ट्रॉन्ग करी एंड SBI, PO, IBPS, PO इन सब एग्जाम्स में फाइनल सिलेक्शन भी लिया मैक्सिमम मार्क स्कोर करके। सो अगर कोई स्टूडेंट सीरियस है, अगर आपकी मैथ्स वीक है, तो मैंने आपको प्रॉपर रोड मैप दे दिया है। आज से जो स्टडी प्लान फॉलो करना है, आज से जो सोर्स फॉलो करना है, वो मैंने आपको बता दिया है। जिस स्टूडेंट ने आज से ये फॉलो कर लिया, डेफिनेटली आप इसी साल फाइनल सिलेक्शन ले जाओगे अपने टारगेट एग्जाम में एंड आपकी मैथ्स स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। बहुत से स्टूडेंट्स की मैथ्स वीक रहती है, बट जो स्टूडेंट एक प्रॉपर वे में तैयारी कर लेते हैं, प्रॉपर स्ट्रैटेजी और प्रॉपर सोर्स के साथ, वो इजीली मैथ्स में अच्छे मार्क्स स्कोर कर जाते हैं। आपका पास्ट मैटर नहीं करता कि अभी तक आपकी मैथ्स कैसी थी, अब जो मैटर करता है कि आज से आप क्या फॉलो कर रहे हो। अगर आपको इसी साल SBI, PO, IBPS, PO या फिर RBI ग्रेड भी या कोई भी क्लर्क एग्जाम बैंक का आपको क्लियर करना है, तो आज से ये सोर्स स्टार्ट कीजिए। इसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में गिवन है एंड डेफिनेटली आप इसी साल सिलेक्शन ले जाओगे। ऑल द बेस्ट फॉर योर अपकमिंग एग्जाम, मे यू गेट सिलेक्टेड इन योर फर्स्ट अटेम्प्ट।